Now we have new topic, simplification of decimal numbers involving bracket. जब हमारे पास decimal numbers आते हैं brackets की form में, तो हमें क्या करना है? बच्चों, brackets के बारे में मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में लेंथी तौर पर बता चुकी हूँ कि हमारे पास ब्रैकेट जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, जिनमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है ब्रैकेट वो है ये राउंड ब्रैकेट. ठीक है, राउंड ब्रैकेट जब भी हम जहाँ भी देखते हैं उसका ये मतलब होता है कि सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोसीजर हो रहा है हमें उसे सॉल्व करना है. देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, हमारे पास ये सारे नंबर जो है इस क्वेश्चन में वो डेसिमल फॉर्म में है. डेसिमल फॉर्म को हमने ब्रैकेट के शेप में सॉल्व करना है. अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 1.8 प्लस 6.5 माइनस 0.7. ये एक प्रोसीजर है जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हो रहा है. इसमें हमने साइड पे हम करेंगे 6.5 को सब्ट्रैक्ट करना है 0.7 के साथ. 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो हम 6 से 1 कैरी लेंगे, दैट विल बी 15. 15 माइनस 7 विल बी, काउंट करें जरा क्या आंसर आता है, 8. डेसिमल की जगह डेसिमल, यहाँ हमारे पास अब 6 नहीं है क्योंकि हमारे पास 6 में से 1 कैरी आके जा चुका है, तो यहाँ 5 है. 5 माइनस 0 विल बी 5. 5.8 हमारे पास आंसर आया है, जो कि हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस पूरी टर्म की जगह. हमारे पास आ गया 5.8. बाकी का जो हमारे पास 0.1 है वो हम वैसे ही अपने साथ चलाएंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को डीमैस मेथड सिखाया है. डीमैस रूल आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो बच्चों को तो पता होगा, अगर नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा. डीमैस रूल में हमारे पास चार ऑपरेशन होते हैं, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. अब हमारे पास देखिए फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में डिवीजन तो है ही नहीं तो हम इसे नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मल्टीप्लीकेशन है. मल्टीप्लीकेशन हमारे पास है 5.8 और 0.1 के दरमियान. सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 5.8. स्टूडेंट, जब हम 5.8 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी पिछले टॉपिक को मद्देनजर रखते हैं, देन वी विल गेट आंसर 0.58. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोगों ने सॉल्व किए बगैर नहीं लिखना. अब देखिए 1.8 और 0.58 इन दोनों के दरमियान एक ही ऑपरेशन है, तो इसी के बारे में हम दोनों को ऐड करवाएंगे. 1.8 को हम प्लस करेंगे 0.58 में. आप लोगों ने जब इन दोनों को एडिशन करवानी है तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए. जब आप इसे प्लस करेंगे देन यू विल गेट आंसर 2.38. लाजमी तौर पे आपके पास ये आंसर आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमारे चैप्टर का सेकेंड हाफ है. टॉपिक हमारे पास परसेंटेज जो है हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं 3-4 क्लासेस से. परसेंटेज एक ऐसा वर्ड है जो हमारे पास लैटिन से लिया गया है. इसका स्टूडेंट्स, परसेंटेज, द वर्ड परसेंटेज इज बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड सेंटम. अ परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन, इट ऑलवेज हैज 100 एज अ डिनोमिनेटर. हमारे पास परसेंटेज के लिए हम ये साइन यूज करते हैं हमेशा, जिसका मतलब होता है परसेंट, इट मींस आउट ऑफ 100, 100 में से. ठीक है, अब परसेंटेज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे पास डेसिमल्स भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे, ऑपरेशंस भी होंगे. सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं हमारे पास जो टॉपिक है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. सपोज वी हैव परसेंट टू परसेंट,